डाइट टॉक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभा। आइए डाइट टॉक में आज हम बात करते हैं उत्तपम के बारे में, जो बहुत ही कॉमन साउथ इंडियन डिश है। लोग कहते हैं कि उत्तपम खाने में बहुत ही हल्का डिश होता है, लेकिन सेहत पर इसका क्या असर होता है, आइए जानते हैं अपने डाइटिशियन से। आज आपको साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट के बारे में बताते हैं। व्हाट इज दैट? उत्तपम। पहली बात तो वैरायटी तो आप लोग जानते ही होंगे, प्लेन उत्तपम, अनियन उत्तपम, आपका टोमेटो उत्तपम, अनियन टोमेटो मिक्स, कैप्सिकम मिक्स उत्तपम। यू विल गेट लॉट ऑफ वैरायटी एंड यू विल गेट डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट एंड अच्छा सा आपको न्यूट्रिशियस नाश्ता भी मिलेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, उत्तपम को हमेशा नॉनस्टिक पैन पे बनाइए, और अगर आपने नॉनस्टिक पैन पे नहीं बनाया तो उसका जलने का और चिपकने का खतरा रह सकता है। तो उससे बचने के लिए आप ज़्यादा तेल और ज़्यादा घी डालोगे तो डेफिनेटली उसकी फैट कंटेंट एंड कैलोरिक वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे कि एक सादे उत्तपम में अगर मैं आपको बताऊँ, अराउंड 190 कैलोरीज होती हैं और 6.5 to 7 ग्राम फैट मिलेगा। जैसे जैसे आप उसमें वेजिटेबल्स मिक्स करते रहेंगे तो दैट डिपेंड दैट विल गोइंग टू एब्जॉर्ब ऑयल एंड घी जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो आइडिया इज दिस कि मिक्स वेजिटेबल उत्तपम बना के खाइए, प्लस नॉन स्टिक पर याद रखिए ज़रूर बनाना है। सो इसके साथ साथ आपका स्वाद भी बरकरार रहेगा और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो हम आपके लिए हमेशा हाजिर हैं आपके स्वास्थ्य को सेहतमंद बनाने के लिए एंड आपके खाने को टेस्टी बनाने के लिए। वी आर ऑलवेज हेयर। अगर आपको स्टिल कोई क्वेरी है आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी।